बिल्कुल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, विंटर सीज़न का ऑलमोस्ट स्टार्ट है। आप समझे कि बस आमद आमद है विंटर सीज़न की, और उसमें काफ़ी सारे स्किन को प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसमें सबसे मेन इशू जो होता है वो ड्राइनेस का होता है। और उसके साथ साथ जो एक इशू होता है वो होता है जी रफ़ और फ्लेकी ड्राई फीट्स, यानी कि पाँव के जो क्रैक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ड्राई स्किन वालों के, इवन यहाँ तक के ऑयली स्किन वालों के भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड आज मैं एक प्रोडक्ट लेके आई हूँ आपके पास, इसका रिव्यू लेके आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त वो प्रोडक्ट है। इससे पहले भी मैं अपने एक वीडियो में एक क्रैक हील क्रीम, जो इफेक्टिव क्रैक हील क्रीम है और मेरी अपने यूज़ में है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ। आज जिस जो और प्रोडक्ट मैं लेके आई हूँ वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और वो भी मेरे यूज़ में है और काफ़ी अरसे से मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इफ़ेक्टिव ये क्रीम है, स्पेशली वाइटनिंग के लिए, यानी कि आपके फुट की वाइटनिंग पे, आपके फुट के जो क्रैक हील्स होते हैं उनको जो है वो रिकवर करती है, एक्सफोलिएट करती है आपके स्किन की जो टोन अनइवन हो चुकी होती है, ब्लैकिश हो चुकी होती है, उसको लाइटन करती है, और ड्राई फ्लेकी जो पीट्स हो चुके होते हैं उनके लिए बेस्ट बेस्ट रेमेडी ये एवर है। ठीक है जी, H&N ब्यूटी की ये वाइटनिंग क्रीम, वाइटनिंग फुट क्रीम है, और बहुत बहुत नेचुरल एक्सट्रैक्ट के साथ है। और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी 3 डे वाइटनिंग इफेक्ट देती है, लेकिन खैर 3 डेज में तो नहीं, कोई भी जो क्रीम है वो इतनी जल्दी जो है आपके स्किन के अंदर नहीं होती, यानी कि इतना अच्छा रिजल्ट ही देती है। देती ज़रूर है, जो उन्होंने लिखा होता है 14 डेज, 15 डेज, 10 डेज, इतने में तो आराम से कोई भी क्रीम जो है ना उसको यूज़ के लिए, आपके स्किन को उसकी आदत होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो आज है जो मैं लेके आई हूँ जी फुट क्रीम है, बहुत ज़बरदस्त है, 3-वे एक्शन है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करती है, रिपेयर भी करती है, ड्राई और रफ़ और फ्लेकी स्किन होते हैं उनको भी, और जो आपके क्रैक्स होते हैं उनको भी फिलअप करती है। बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी अरसे से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी मेरी ये होगी, और एक मैंने पहले भी बताई थी क्रैक क्रीम, 3-4 क्रीम्स हैं जो बहुत अच्छा जो है ना रिजल्ट देती हैं। ठीक है, पैकेजिंग आप देख लेते हैं, जो इस तरह की पैकेजिंग है वो बिफ़ोर और आफ्टर उन्होंने यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। 3 डे वाइटनिंग है, इस तरह की ये पूरी क्रीम है, चाइना का प्रोडक्ट है, लेकिन H&N ब्यूटी की जो सीरम्स हैं और कुछ स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। यूज़ करते हैं तो फिर आपको पता लगता है इसके रिजल्ट कैसे हैं। ठीक है जी, इस तरह से ट्यूब फॉर्म में है, 3-वे एक्शन है। अच्छा, आपने लगाना है इसको किस तरह से है कि अपने पहले पाँव अच्छे तरीके से धो लेने हैं, कोई भी नमक वगैरह डाल के पानी में, जिस तरह आप सोक करते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको सोक कर दें अच्छी तरीके से, उसको स्क्रब कर लें पाँव को। स्क्रब करने के बाद जो है ना आपने अच्छे तरीके से उसको वॉश करना है, फिर आपने सोने से पहले, ठीक है, स्टार्टिंग आपने यहाँ से करनी है कि सोने से पहले आपने ये लगाना है, और लगाना इस तरीके से है कि ये इस तरह की फॉर्म में ये क्रीम निकलेगी, ये देखें। ठीक है, इस तरह से ये वाइटनिंग फॉर्म में ये क्रीम निकलेगी। आपने सबसे पहले जो आपके क्रैक्स होंगे जो फुट में, उनको फिलअप करना है इससे। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से फिलअप करके लाइटर मसाज सिर्फ क्रैक्स में करना है। ठीक है, क्रैक में करेंगे आप लोग, क्रैक में करने के बाद देन फिर जो भी क्रीम आपकी बचेगी या थोड़ी सी और भी लेना चाहे, तो अपने पूरे फुट पे, अपने पाँव के नीचे वाली जो जगह होती है वहाँ पे अच्छे तरीके से उसको कर देना है। इतना करना है आप लोगों ने मसाज की ये आपके स्किन पे जो है ना ये पेनिट्रेट हो जाए, यानी कि अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। ठीक है, जैसे आपकी ये हो जाएगी, उसको 3 to 5 मिनट्स आपने देने हैं, ये ड्राई हो जाएगी हल्की सी, और अंदर आपकी स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। फिर आपने कोई भी सॉक्स ले लेने हैं। ठीक है, इनके लिए स्पेशल एक सॉक्स आते हैं, सिलिकॉन के सॉक्स आते हैं, हाफ हील वाले भी सॉक्स होते हैं और फुल भी होते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में ज़रूर इंट्रोडक्शन दूंगी, वो भी बहुत अच्छे जो है ना आपके फुट्स के लिए होते हैं, सोर फुट्स जो होते हैं, जो दर्द करते हैं पाँव एड़ियाँ फटने की वजह से जो दर्द करते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी होती है वो, यानी कि वो बहुत अच्छा तरीक़ेकार होता है। अगर आप कोई होम रेमेडी भी यूज़ करें तो उसमें भी आप वो सॉक्स पहन के सो सकते हैं रात को विंटर में, और आपके पाँव बहुत अच्छे जो है ना पिंकिश, आपकी जो जो फुट की जो एड़ियाँ वगैरह हैं वो हो जाएंगी। ठीक है, आप इस तरह से इसको करना है, ये देखें, ये वाइटनिंग इफेक्ट हल्का सा ये दे रहा है। इस तरह से पूरा लाइटर हैंड से आपने करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है इस तरह से। ठीक है, और जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो ये अच्छा स्किन में जज्ब हो जाएगा, और फिर आपने कोई भी सॉक्स आपके पास है, ठीक है, वूलन के नहीं पहनने तो आप दूसरे लाइटर लाइट वाले भी पहन सकते हैं, वो पहन के आपने सो जाना है, और सुबह उठ के आप उतारेंगे और देखेंगे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो चुकी होगी, और
5 to 10 days में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 3 days इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी 5 to 10 days, ठीक है। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त ये क्रीम है, बहुत अच्छा ये मॉइस्चराइज भी करती है, आपके जो क्रैक्स हैं उनको फिलअप करती है, फ्लेकी स्किन सारी ख़त्म हो जाती है, आपकी स्किन लाइटन अप हो जाती है, आपके पैरों का कलर बहुत अच्छा हो जाता है, और काफ़ी अच्छे जो हैं इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इस क्रीम के बारे में, तो आपने ज़रूर ज़रूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।